हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, यहां पर आपको रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी यानी कि भारत सरकार और यूनेस्को के द्वारा एक ज्वाइंट वेंचर की तरह अगर हम बात करें तो एक रिक्रूटमेंट ज्वाइंट वेंचर ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है और यहां पर जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए इनवाइट किया गया है। यानी अगर उनको लगता है कि हमारी क्वालिफिकेशन सही है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के इस रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी RCB के बारे में कि क्या है और किस तरीके की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की। शुरुआत करेंगे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से, जहाँ पर हम देखेंगे कि किन किन चीज़ों का यहाँ पे वैल्यूएशन रखा गया है। ओके, सबसे पहले शुरुआत करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाएंगे हम। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो लिखा हुआ है क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र राष्ट्रीय महत्ता की संस्था जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा यूनेस्को के तत्वाधान में स्थापित। तो ध्यान रखिएगा यूनेस्को के साथ ऑस्पिशियस ऑफ यूनेस्को यहाँ पे इसके स्टेबलाइजेशन की गई है। चलिए अब आते हैं हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, जूनियर रिसर्च फेलो PG टीचिंग प्रोग्राम, उसके बाद रामालिंग स्वामी री इंट्री फेलोशिप, RA रिसर्च एनालिसिस स्टडीज और BITP। तो ध्यान रखेंगे। अब इनमें हम अगर बात करें तो पोस्ट है सबसे पहला ग्रांट एडवाइजर्स। ग्रांट एडवाइजर के लिए सैलरी दे दी गई है 88,000, मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है 45 साल। तीन पोस्ट दिए गए हैं किसके लिए, ग्रांट एडवाइजर के लिए। रिक्वायर्ड क्या है, तो फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए किसी भी साइंस के एरिया में और मिनिमम 5 ईयर्स का कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ अगर किसी को लाइफ साइंस या मैनेजमेंट में कोई भी डिग्री है तो वो बेशक यहां पे अप्लाई कर सकता है। ओके, जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया गया है कि क्या क्या आपको करना है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को जो भी आपको फाइनेंशियल बिल होंगे उन सबको आपका देख रेख करना होगा। नेक्स्ट आता है सिस्टम एनालिस्ट। तो सिस्टम एनालिस्ट के लिए फर्स्ट क्लास MTech, BTech, MSc, BSc डिग्री कंप्यूटर साइंस में रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस यहां पर मांगा गया है। क्लियर रहेगा। क्या रहेगा इनका काम, तो काम रहेगा IT सपोर्ट देना। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास सीनियर अकाउंट असिस्टेंट, BCom, BBA, CA, ICWA, साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। क्लियर। काम क्या रहेगा, तो वेरिफिकेशन रहेगा एंट्री का, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को देखना रहेगा। एज लिमिट अगेन 45 ईयर्स। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोजेक्ट या ग्रांट एग्जीक्यूटिव, फर्स्ट क्लास MTech, MSc, BTech डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, कहीं से भी अगर आप कर सकते हो तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स, साथ ही साथ एज लिमिट 45 साल। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 3 रखा गया है। नेक्स्ट आता है अकाउंट असिस्टेंट, अगेन BCom, BBA डिग्री, साथ ही साथ 3 ईयर्स का अकाउंटिंग या फाइनेंस में यहां पर आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। साथ ही साथ किस तरीके का काम करना है, तो बिल और वाउचर्स को यहां पे देखना है, साथ ही साथ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को देखना है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स, नंबर ऑफ पोस्ट 1। अगेन आता है टेक्निकल असिस्टेंट IT सपोर्ट सर्विस में, तो ध्यान देंगे ग्रेजुएट डिग्री इन IT या कंप्यूटर साइंस, यानी BCA या BSc IT, BTech IT, कोई भी यहां पे अप्लाई कर सकता है। काम क्या है, डेटाबेस का मेंटेनेंस। क्लियर। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स, नंबर ऑफ पोस्ट 1। क्लियर। ये तो बात हो गई हमारा कि किस तरीके से आप यहां पे अप्लाई करेंगे, पोस्ट क्या है। अब बात आती है, ध्यान रखिएगा यहां पर एप्लीकेशन फी की। तो एप्लीकेशन फी यहां पे 1000 रुपीज रखेगा। ऑफिशियल वेबसाइट यहां पे मेंशन किया गया है www.rcb.res.in पे। 21/7/2022 से पहले आपको अप्लाई करना है, यानी 21 जुलाई से पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहां पे अप्लाई करेंगे। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है टर्म्स एंड कंडीशन की बात। तो टर्म्स एंड कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से अप्लाई करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स में किसको छूट मिलेगी, ये सारी चीजें आपको यहां पर बता दी गई हैं। अब हम बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी की शुरुआत होती है यहां पे ग्रांट एडवाइजर, ग्रांट एडवाइजर 88,000, ग्रांट एडवाइजर 88,000। नेक्स्ट आता है सिस्टम एनालिस्ट 66,000। फिर आता है आपका यहां पर सीनियर अकाउंट। तो सीनियर अकाउंट में ध्यान दीजिएगा, सीनियर अकाउंट के लिए अगेन 66,000। फिर आता है प्रोजेक्ट ग्रांट के लिए, अगेन यहां पर 60,000। नेक्स्ट आता है आपके पास पोस्ट, ध्यान देंगे अकाउंट असिस्टेंट का तो 33,000, टेक्निकल सपोर्ट का 33,000। यानी कि यहाँ पे सारे पोस्ट को अगर मैं मिला के बात करूँ तो 33,000 से लेकर के 88,000 तक की सैलरी यहाँ पे रेंज है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट एंड अकॉर्डिंग टू द एज लिमिट एक्सपीरियंसेस। ओके गाइस, तो ये थी आज की यहाँ पर रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी का एक जॉब अपडेट। जिन कैंडिडेट को लगता है कि यहाँ पर वो अपने आप को फिट पा रहे हैं, यानी उनकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिट कर रही है, साथ ही साथ कोई एक्सपीरियंस है, कहीं पर भी आपने अकाउंटिंग वगैरह का काम किया है, सिस्टम सपोर्ट का काम किया है, IT सपोर्ट का काम किया है, या कहीं पर MSc वगैरह करके आप
किसी भी एनजीओ के साथ इन सारी चीजों में काम कर रखा है, फाइनेंस का नॉलेज है, अकाउंटिंग का नॉलेज है, तो बेशक आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये थी आज की रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी के जॉब यानी कि रिक्रूटमेंट का अपडेट। गाइस, ये जॉब बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि वर्ल्ड लेवल की संस्थाएं इसके साथ जुड़ी हुई है, यूनेस्को इसके साथ जुड़ा हुआ है। हो सकता है आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आपको फॉरेन की कुछ और प्रोजेक्ट्स में शामिल कर लिया जाए, तो मिस मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप बेहतर यहां पर परफॉर्म कर सकते हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहां पे बेस्ट सूट कर रही है, तो बेशक अप्लाई कीजिएगा। ओके, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, मैं बार बार आपको बताता हूं 21 जुलाई इसका लास्ट डेट है, लेकिन उससे पहले आपको फुलफिल करना है इन सारी चीजों को, एग्जाम फॉर्म को फिल करना है, अप्लाई करना है, उसके बाद 1000 रुपीज लग रहा है, ये चीज को भी ध्यान रखिएगा, सैलरी को भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो अगर एज लिमिट है आप अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं हम बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ, बने रहिए हमारे चैनल पर, यानी कि आपका अपना नियोन एकेडमी, जहां पर हम हर एक चीज को आपके लिए सिर्फ लेकर के आते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट अपडेट में बहुत ही जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच।